फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे इस तरह का बॉक्सी बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। कोई भी एक साइज़ आप रख सकते हैं, मैं 1000 बाई 600 का एक साइज लेता हूं और यहां से ओके करते हैं। इसके ऊपर आप एक लेयर ले लें और इस लेयर में 50% ग्रे फिल कर दें। तो 50% ग्रे यहां से फिल कर देते हैं। यहां पर ब्राइटनेस कर देता हूं मैं 50% और इन सभी को 128 128 और इसको भी कर देते हैं 128। ये देखिए 50% ग्रे पे आ गए और ओके कर दीजिए। इस कलर को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए ऑल्ट बैक स्पेस से। बहुत ही आसान है, इस वीडियो को देखिए और इसका प्रैक्टिकल आप लोग ज़रूर करिए। अब उसके बाद आएंगे हम लोग फिल्टर में, यहाँ पे आएंगे नॉइज़ में और यहाँ पर ऐड नॉइज़ कर लेंगे। ऐड नॉइज़ करेंगे 100% यूनिफॉर्म में रखेंगे और मोनोक्रोमेटिक रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल एल से इसका लेवल थोड़ा कम करेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और इसके लेफ्ट साइड से डार्कनेस और राइट साइड से इसके ब्राइटनेस दोनों को हम लोग कम करेंगे। यहाँ से इधर करेंगे और यहाँ से इधर करेंगे, ऑलमोस्ट दोनों को इतना इतना आप आगे बढ़ा दीजिए। आपको लग रहा होगा कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस हो रहा है। अब ये कर देने के बाद आपको आना है फिर से फिल्टर गैलरी में। इस बार आपको आना है पिक्सलेट में। आप देखते होंगे जो पिक्सलेट होती है इमेजेस, वो उस तरह का इफेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अब हम लोग आ जाएंगे मोज़ेक में और ओके करेंगे। अब ये देखिए उस तरह का इफेक्ट बन गया है, लेकिन इसके साइज़ को हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे। मैं साइज़ को कर देता हूँ ऑलमोस्ट 15% और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये हमारा ब्लॉक बन चुका है। अब हमें सिर्फ इफ़ेक्ट देना है। इफ़ेक्ट देने के लिए आप कोई भी इमेज को निकाल लें। मैं यहाँ से सपोज़ एक इमेज ये है हमारे पास, इस इमेज को मैं निकालता हूँ और इसको लाते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर दीजिए, यानी इसके बराबर कर दीजिए और यहाँ से ओके करते हैं। अब इस इमेज को सिर्फ मैं ब्लर करूँगा। यहाँ से ब्लर पर जाएंगे, गॉशियन ब्लर पर जाएंगे और यहाँ से कंप्लीट ब्लर नहीं करेंगे, कम ब्लर करेंगे। जैसे 25 पिक्सल्स के आसपास मैं ब्लर करता हूं और उसके बाद ओके कर देते हैं। अब ये ब्लर हो जाने के बाद इसके इस फिल्टर को मैं अंदर कर देता हूं इस पर क्लिक करके और इस इमेज को सिर्फ ड्रैग करके इसके नीचे लाएंगे। उसके बाद देखिएगा चेंजेस। ये देखिए ऊपर वाले लेयर पर आएंगे, यहाँ से मोड को ओवरले कर देंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं 100% पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसका अलग अलग लुक देने के लिए और क्या कर सकते हैं, एक और देख लीजिए। यहाँ से मैं दूसरे इमेज को लेकर आता हूँ। जैसे ये एक इमेज है, इसको मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर और इसको लाकर यहाँ रखते हैं और इसको भी मैं ड्रैग करके नीचे लाता हूँ। फिर आप देखिए, अब ये आप देख सकते हैं दो लुक आपको यहीं पर मिल गया। तो कोई भी इमेज आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी तरह का लैंडस्केप इमेज ले लेंगे और उसको डाउनलोड करके फोटोशॉप में आएंगे और उसको ब्लर कर देंगे और इस तरह का मोज़ेक बना देंगे और इसको आप जैसे चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैनर में। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज़ लेकर आया हूँ बैकग्राउंड बनाने के लिए कि आप फोटोशॉप में किस तरह के बैकग्राउंड बना सकते हैं और बैकग्राउंड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन करते हैं तो विदाउट बैकग्राउंड आप डिज़ाइन तो करते नहीं हैं, हर जगह बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को अगर ये बैकग्राउंड अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि और भी बैकग्राउंड के ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि और भी बैकग्राउंड के ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊं आप सभी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।